सोच। जय हिंद। तो चलिए, आज हम लोगों का जो टॉपिक है, आप लोग तो देख ही रहे होंगे, ये कौन है ये खुद बोलेगा। ये कौन है? ये कह रहा है मैं भूत हूँ। मैं कौन हूँ? मैं भूत हूँ। सही है भाई, भूत जैसे तेरा चेहरा भी लग रहा है। चल कोई बात नहीं। देखिए, तो हम लोग को इनके बारे में पढ़ना है। ये जो है हमारी हड्डियाँ हैं, और आपको देख के लगी हो रहा है ये हमारे थोबड़े की हड्डियाँ हैं। भाई साहब, थोबड़ा मतलब कहते नहीं चेहरा, उनकी हड्डियाँ हैं। तो चलिए हम लोग पहले खोपड़ी से अपनी शुरुआत करें। देखिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप ये फ्रंट वाली एकदम देखिए, फ्रंट बेन उनकी वाला हिस्सा देखिए, यहाँ पे एक क्रैक है ऐसे। क्यों देख रहे? एक क्रैक यहाँ पे है, एक क्रैक देखे कि नहीं? अब आपको मैं और दिखाता हूँ। यहाँ देखिए एक क्रैक और है। एक मिनट रुकिए, मैं दिखाता हूँ आप लोग, कलर चेंज कर लेता हूँ तब अच्छे से दिखाता हूँ। देखिए, एक क्रैक ये और एक क्रैक ये हमारे सिर पे ही, देख रहे हैं ना। चलिए अब इसको थोड़ा और पिछले चलता हूँ। देखिए ये, एक मिनट रुक जाइए। भाई 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 भाई, अरे 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 अरे, ये आ गया आ गया आ गया। देखो ये यहाँ पे एक क्रैक ये है सर, देख रहे हैं, और एक क्रैक ये, और यहाँ खोपड़ी पे देखिए एकदम ऊपर एक क्रैक, मैंने आप लोग को ऊपर से दिखाया ही। अब हम लोग थोड़ा बगल बगल से देख लेते हैं इसको। क्यों देखना मैं बता रहा हूँ, देखिए बगल बगल से देखिए, एक क्रैक, ओहो यहाँ पर तो दो तीन क्रैक हैं। देखिए एक क्रैक ये रहा हम लोग के सिर पे, सोच लीजिए इतने, ये कनपट्टी वाली क्रैक, और उसी में एक क्रैक ये जो आई हुई है, देख रहे हैं। ऐसे उधर भी होगा तब देखते हैं ना, देखने में क्या जा रहा है, देख लेते हैं हम लोग। देखिए चल भाई भाई भाई, अरे 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 मुड़ गया। चलिए देखिए, एक क्रैक ये और एक ये, देख रहे हैं टोटल कितने क्रैक हैं हमारे सिर में ही। तो ये सब भाई क्रैक हुए हमारे। तो अब हम लोग इन्हीं क्रैक का नाम पढ़ेंगे। देखिए जैसे ये जो पूरा वाइट हुआ है, वाइट, ये देखिए जो पूरा वाइट हुआ है, ये हिस्सा जो पूरा वाइट हुआ है ना, इनको ही हम लोग कहते हैं, एक मिनट देखिए मैंने आपको एकदम जूम कर दिया ये चीज़। ये देखिए, ये जो वाइट वाला हिस्सा था मैंने काट के निकाल दिया है। तो ये देखिए, ये जो वाइट वाला हिस्सा था अपने खोपड़ी का, इसका नाम है भाई, हम लोग क्या रखते हैं, इसका नाम है भाई फ्रंटल बोन। फ्रंट पे है तो भाई फ्रंटल बोन, BONE, ये क्या है, फ्रंटल बोन। चलिए आपको मैं काट के भी इसको दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कुछ जा, अरे रुक जा रुक जा रुक जा, अरे रुक जा भाई मेरे, रुक जा रुक जा रुक जा, इसको चलाने में ही दिक्कत होती है भाई। ओ पूरा कट गया ये तो, चलिए कोई बात नहीं, मैं वापस ले लेता हूँ इसमें क्या है। तो ये अपना फ्रंटल हो गया, आप लोग देखा ही होगा, ये अपना क्या है फ्रंटल। अरे भाई भाई, थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे, बस बस बस, इसको चलाने में ये दिक्कत होती है। देखिए अपने, ये आप लोगों ने देख लिया ना ये वाला हिस्सा, अरे भाई मेरे थोड़ा तो रुक जा। ये हम लोग अभी यही देख रहे हैं, देखिए ये मैं जो आपको क्रैक दिखाए थे, तो ये आप लोग का फ्रंटल बोन हो गया, ये वाला हिस्सा, ये आप लोगों का क्या होगा, कौन सा बोन, फ्रंटल। तो फ्रंट पे है फ्रंटल बोन। अब मैं आप लोगों को पूरी 206 हड्डियाँ याद करा रहा हूँ शरीर की, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। फ्रंटल बोन ये हो गए। अब आगे हम लोग देखते हैं कि देखिए जो क्रैक है ये वाला, एक तो क्रैक ये होगा, तो हम लोग आगे वाली हड्डी देख ली, अब इस हड्डी का क्या नाम है ये हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं भाई इसका क्या नाम है। तो चलिए इसका नाम है भाई, हम लोग यहाँ पे इस वाले का नाम है पैरीटल बोन, पैरीटल बोन मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है आप लोग ध्यान दीजिएगा, पैरीटल बोन, उसका नाम क्या है पैरीटल बोन। देखो पहले लिखो पैरीटल, TAL पैरीटल बोन, देखो ये पैरीटल, पैरीटल बोन, पैरीटल बोन, ये इस वाले का नाम है क्या, पैरीटल बोन। तो देखिए हम लोगों ने ये देखा, ये वाली देख लिया पैरीटल बोन। अब हम लोग ये भी वही पैरीटल बोन होगी, ये आसपास है, क्योंकि ये देखिए फ्रंटल बोन, और यहाँ पे दो ठो क्या है पैरीटल बोन है अपनी। अब चलिए हम लोग पीछे चलते हैं, ये जो दादा दिख रहे हैं इनके पीछे हम लोग चलते हैं, चल चल चल, अरे 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 अरे, ये अब ये वाली खोपड़ी के हिस्सा देखते हैं, इसका नाम है इनका यहाँ पे देखिए ओसिपिटल बोन, क्या नाम है ओसिपिटल बोन, ओसिपिटल बोन। कितने बोन हुए गए थे हम लोग का, तीन नाम पढ़ लिए हम लोगों ने, फ्रंटल बोन,
ऑक्सीपिटल बोन, ऑपेरिट्रियल बोन हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। ऑक्सीपिटल बोन, इसका नाम क्या हुआ? ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल। देखिए कैसे याद करिए आप लोग, देखिए स्पेलिंग चेक करना पड़ेगी, हड्डी का नाम ही याद करना। देखिए ऐसे याद करिए, ओ सी पी टल, ऐसे याद कर लीजिए आप लोग, स्पेलिंग चेक करना पड़िए, ऑक्सीपिटल बोन। तो चलिए देखते हैं हम लोग, पहले हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए ये अपना फ्रंटल बोन, ये अपना पेरिट्रियल बोन, ये भी अपना पेरिट्रियल बोन, फिर वापस घूम जाइए दद्दा, ये अपना कौन सा है? ऑक्सीपिटल बोन, अब देखिए एक क्रैक यहाँ पे जो मैंने आप लोग को दिखाया था, ये एक मिनट में रुकिए, हाईलाइटर से फिर देखिए, ये वाला जो मैंने आपको दिखाया था, अब इसका नाम हम लोग देखेंगे। एक ऐसे इधर और एक ऐसे उधर भी होगा इस साइड वाले में, जब मैं मूव करूँगा तब देखिएगा आप लोग। तो देखिए एक मिनट, इसका नाम यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे तो इसका नाम दिखा रहा है भाई टेम्पोरियलिस मसल। चलिए कोई बात नहीं, तो छोड़िए अभी तो तीन ही पार्ट हम लोग देखने, तीन पार्ट हम लोगों ने एकदम जूम से अच्छे से देख लिया, पहले यही याद करिए आप लोग। देखिए फ्रंटल बोन और ये पेरिट्रियल बोन, ये भी पेरिट्रियल बोन, और ये वाला अपना दद्दू पीछे खड़े हैं, ये हमारा कौन सा हुआ? ऑक्सीपिटल बोन, चलिए अब यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए दांत इनके, पहले आप लोग देख लीजिए कि देखिए मैंने आँख पे भी वीडियो बनाया हुआ है, ये आँखों पे भी पूरा डीप में, और ये दांत, ठीक है, दांत पे भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है, कान पे भी मैंने अपलोड बना दिया है एनिमेशन से ही। तो अब हम लोग को देखना है आगे, एक मिनट, ये तो नॉस्ट्रिल्स वगैरह है हम लोगों की, नसल बोन देखिए ये फ्रंटल पे आ गया। देखिए इसका ये जो नाम है जो हम लोग के दांतों के नीचे, देखिए वाइट वाइट शो नहीं कर रहा, देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ यूं, देख रहे हैं आप लोग, मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मैंडिबल बोन, इसका नाम क्या है? मैंडिबल बोन, मैन मतलब आदमी, डी मतलब दीदी, और बी एल ई, स्पेलिंग कितना याद करना आसान होगा। देखिए मैन डी बल बी एल ई, ये वाली हड्डी, ये वाली जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो वाली हड्डी का नाम है मैंडिबल बोन। क्या नाम है? मैंडिबल बोन इसका नाम है। अब देखिए इसे सब रहने दीजिए, इतना भी ज़रूरी नहीं है ये सब। तो ये तो सर की हड्डियाँ हो ही गई, इनके बारे में गौर न पड़िए, ठीक है, इतना पर्याप्त है। अब मैं इनको जूम करता हूँ, मैंने इनको काट दिया था यहाँ पे, देखिए मैं वापस रिकैप कर रहा हूँ इनको। चलिए चलिए चलिए, आपके फेफड़े जल्दी बन जाए। देखिए ये जो हम लोग को की, ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, ये आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, ये जो गर्दन से अपनी जुड़ी हुई है, ये देख रहे हैं, ये हमारी है रीढ़ की हड्डी। कौन सी हड्डी? रीढ़ की हड्डी, वर्टिप्रेक्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ये है हमारी क्या? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी कौन सी है भाई? यही है अपनी रीढ़ की हड्डी। तो चलिए रीढ़ की हड्डी हो गई, एक मिनट में वापस से पूरा रिकैप कर लूँ, इन सब में तो यही प्रॉब्लम होती है ना भाई चलाने में। अब मैं आपको पूरा दिखाता हूँ इनका डायग्राम। चलिए चाचा पीछे आइए, ये देखिए हम लोगों के शरीर का ढांचा कुछ ऐसा है, उसके ऊपर फिर मसल्स, और ये देखिए ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये स्टर्नम है, इसका नाम है, आप लोग देख लीजिए पहले, मैं इसको अलग से दिखाता हूँ, रुकिए। अच्छा देखिए ये स्टर्नम है, स्टर्नम जिससे हमारे फेफड़े के आसपास के सारे रिब केजेस जुड़ी होती हैं, इसका नाम क्या है भाई? स्टर्नम। कैसे याद करें? देखिए एस लिखिए, टर मेरा, टर मेरा कैसे बोलो, टर स्टर्नम, एन यू एम, ऐसे नम याद रख लीजिए, स्टर्नम हिंदी में याद रख लीजिए, ये है स्टर्नम। तो चलिए हम लोग वापस चलते हैं, ये देखिए फिर इसी स्टर्नम से जो है हम लोगों की सारी हड्डियाँ ये देखिए जुड़ी होती हैं, लेकिन देखिए यहाँ नीचे की कुछ हड्डियाँ जुड़ी हुई नहीं है, आप लोग छू के देखिए अपने शरीर पे, ये कोई जुड़ी हुई नहीं, ये देखिए यहाँ से हमारे हार्ट की हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं, यहाँ से भी हाथ की हड्डियाँ, और फिर ये देखिए रिब केज जो है, इसी के अंदर हमारा क्या होता है? फेफड़ा, वो तो हम लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इसी के अंदर हमारा क्या होता है? फेफड़ा। फिर देखिए पीछे जो दो हड्डियाँ हैं आप लोग छूइए,
इन दोनों को महसूस करेंगे। हम लोग के सर यही हम लोग को पकड़ के दबा देते थे, कुत्ते दर्द करता था ये चीज़, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। ये चीज़ जो देख रहे हैं स्कैपुला, इन सब का नाम है स्कैपुला। स्कैपुला देखिए कैसे याद करेंगे। देखिए पहले सुप्रीम कोर्ट याद करिए, फिर ए लिख दीजिए, फिर पू और ला, क्या ला, कुछ भी ला, तो क्या कहते हैं इसको, स्कैपुला। क्या स्कैपुला, क्या इसका नाम हुआ स्कैपुला। ये हो गया स्कैपुला हमारा। फिर देखिए मैं आपको ये रीढ़ की हड्डी वाला जूम करके दिखाता हूँ मैं, ये भी बहुत सी मिलके बनी होती है। देखिए ये, ओ एक मिनट ज़्यादा वो हो गया जूम, ये देखिए ये देखिए, ये देख रहे हैं रीढ़ की हड्डी का ऊपरी वाली भाग, रीढ़ की हड्डी का कौन सा भाग अपना, ऊपरा वाला भाग, ये हिस्सा देख रहे हैं ना आप लोग, यही हमारे रीढ़ की हड्डी का कौन सा भाग, ऊपर वाला भाग है ये अपना रीढ़ की हड्डी का। ये अब आपको और समझ में आएगा इसमें। तो देखिए रीढ़ की हड्डी के वाले भाग को भी हम लोग चार पाँच हड्डियों के भाग में बांट देते हैं, तो वो तो फिर कभी, क्योंकि आज हम लोगों ने सर का याद किया है, सर की सारी हड्डियाँ। चलिए एक बार फिर से देख लें, देखिए ये फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन हुई, एक बार जूम कर दीजिए, फ्रंटल बोन ये हो गया, फिर यहाँ पे पेरिट्रियल बोन, इधर भी पेरिट्रियल बोन, और ये वाला अपना कौन सा हुआ, ऑसिपिटल, ऑसिपिटल फ्रंटल पेरिट्रियल ऑसिपिटल, फ्रंटल पेरिट्रियल ऑसिपिटल, और ये वाला जो है मैंडिएबल, मैंडिएबल फ्रंटल। ये लोग याद, ये याद कर लीजिएगा इन सब शरीर की हड्डियों नाम, पेरिट्रियल फ्रंटल पेरिट्रियल फ्रंटल पेरिट्रियल ऑसिपिटल फ्रंटल पेरिट्रियल ऑसिपिटल, और ये हमारा जो हुआ मैंडिबुला, ठीक है मैंडिएबल जिसको भी हम लोग कह सकते हैं, ये वो हड्डियाँ हुई। तो चलिए मैं आपको कुछ और भी मैं दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिएगा ना, मुझे कुछ करने दीजिए थोड़ा। ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये वर्टीब्रेक्स वाली जो हम लोग की रीढ़ की हड्डी नहीं थी, देखिए अब रीढ़ की हड्डी मैंने कहा था ना आप लोगों से, तो रीढ़ की हड्डी भी कुछ कुछ ग्रुपों से मिलकर अपनी बनी होती है। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये पूरा ऊपर सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है, तो इन सब जितनी भी दूर सफ़ेद अपना दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा जितना भी सफ़ेद दिखाई दे रहा है, इन सब के ग्रुप को, समूह को पूरा कहते हैं सर्वीकल। कैसे याद करें, देखिए ऐसे सर्वीकल, सर किस पे चल रहे हैं, व्हीकल पे चल रहे हैं, ठीक है व्हीकल मतलब साइकिल, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, व्हील नहीं, व्हील मतलब चक्का हो जाएगा, सर किस पे चल रहे हैं, साइकिल पे सर व्हीकल। फिर देखिए नीचे यहाँ पे ये, एक मिनट होल्ड, ये जो अपनी पूरी यहाँ से ग्रीन ग्रीन जितनी भी है, ग्रीन ग्रीन जितनी है, इसको कहते हैं थोरैसिक, इसको क्या कहते हैं थोरैसिक, क्या कहते हैं थोरैसिक, क्या कहते हैं इसको थोरैसिक। फिर यहाँ पे देखिए नीचे ये जो अपना ये बैगनी रंग का है, इसको क्या कहते हैं भाई, लंबर, प्लम्बर नहीं, हाँ लंबर, एल यू एम बी ए आर, नहीं भाई प्लम्बर, प्लम्बर नहीं लंबर, एल यू एम बी ए आर। फिर देखिए नीचे ये जो एक कलर में दिखाई दे रही है, ये वाली, इसका नाम है इश्कर्नम, शैक्रम, इश्कर्नम तो आगे थी फेफड़े पास, शैक्रम, इसका नाम क्या है शैक्रम। देखिए मैं कैसे याद कराता हूँ इसको, सा उसके बाद ये, फिर रम, आर यू एम, रम मतलब दारू, ठीक है। तो देखिए जैसे मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर अपने जो रीढ़ की हड्डी है वो ये है, तो ये रीढ़ की हड्डी है जो है ना, बहुत सारे हड्डियों के ग्रुप से मिलके बनी है। तो देखिए सबसे ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं क्या, क्या यहाँ पे ये, इसको कहते हैं सर्वाइकल, फिर इसको कहा था थोरेसिक, फिर ये वाला जो हम लोग कहते हैं इसको लंबर, फिर ये वाला क्या था सैक्रम, तो ये अपना वो हो गया। तो चलिए रीढ़ की हड्डी भी हो गई हम लोगों की, अब देखिए ठीक है। फिर देखिए रीढ़ की हड्डी में, दो रीढ़ की हड्डियों में कैसे गैप होता है आप लोग देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, दो रीढ़ की हड्डियों की और जूम मैंने कर दिया है यहाँ से। चलिए ठीक है ये हो गया, और नहीं ठीक है फिर इधर
और कुछ इसमें आपको लोग को दिखाना नहीं है। चलिए और कुछ इसमें नहीं दिखाना है। फिर यहाँ पे और चल थोड़ा सा कैविटी आप लोग को दिखा देता हूँ मैं, ज़रूरी है ये। ये देखिए ये अपनी रीढ़ की हड्डी पहले पीछे चली गई पूरी, ये थोरैसिक से जुड़ी हुई है, याद रखिए। देखिए थोरैसिक है, इसके ऊपर सर्वाइकल हो गई, ये देखिए पूरे थोरैसिक है ये रीढ़ की हड्डी अपने पीछे। चलिए अब ये देखिए ये रिब केज, इसके अंदर अपना क्या होता है, फेफड़ा, जस्ट इसी के अंदर यहीं पे होता है, एक इधर फेफड़ा होता है। और ये देखिए ये सब जो रिब केजेस ये आई हैं, ये 1 2 3 4 5 6 देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है, 8 यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 अरे एक मिनट हो जाइए, 12 होनी चाहिए यार, वही तो मैं सोच रहा हूँ कैसे। अब गिनते हैं, अब हम लोग इसको गिनते गिनते कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 ठीक है। यहाँ पे भी देखिए 12 इधर 24, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये देखिए नीली 11 और उसके नीली 12, तो 12 12 24। और फिर इन सबसे जुड़ी होती है जो बीट की हड्डी, इसको क्या कहते हैं, स्टर्नम। इसको क्या कहा जाता है, स्टर्नम, क्या कहते हैं इसको, स्टर्नम। इसी के अंदर होता है अपना फेफड़ा। तो देखिए 206 हड्डियों में से आप लोग इसमें केवल एक हड्डी का याद नाम रखिए, स्टर्नम का ये वाला। और फिर 12 इधर 12 इधर 24 एक 25 हड्डी ही याद हो गई, 25 और एक पीछे वाली, और एक पीछे वाली ये थोरैसिक, थोरैसिक कितनी याद हुई, 12 दूनी देखिए 12 दूनी 24 1 25 1 26 हड्डियों के नाम हम लोग याद कर लिए हैं, 26। और फिर वहाँ पे सर पे हम लोग ने कितने याद किए, 3 फ्रंटल पेसिपिटल और एक उसके नीचे था पेरिडिएबल, ये 3 हम लोगों ने वहाँ याद किया, हम लोगों ने वहाँ पे कितने। और ये एक स्कैपुला हम लोगों ने पढ़ लिया, ये वाली स्कैपुला, स्कैपुला हड्डी, और ये हम लोगों ने पढ़ी रही रीढ़ की हड्डी वाला, ये वाला हिस्सा पूरा पार्ट। तो चलिए आज के हम लोग इतना ही करते हैं, कल हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग फिर इन हाथों के बारे में पढ़ना चलेंगे कि देखिए इस हड्डी का क्या नाम है, ह्यूमरस। फिर यहाँ पे 2 हड्डी, रेडिकस और अल्ना। तो चलिए आज की वीडियो यहीं रुकते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।